16वां इवेंट दोबारा असी शुरू करन जा रहे हैं 8 तो 12 दिसंबर और बड़िया उम्मीदों के नाल इस प्रोग्राम नू असी 4 चंद लग रहे हैं। ये प्रोग्राम जिहड़ा अगे नालों वड्डा हो रहा है और 450 एग्जीबिटर जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने दस्या कि हो गया इत्थे जिन्नी जगह सी असी सारी भर ली है, साढ़े कोल होर जगह नहीं है। लेकिन खुशी की गल है कि अमृतसर नू बहुत कुछ मिल रहा है, G20 के प्रोग्राम मिल रहे हैं, उहदे वास्ते भी असी इस इवेंट के विच प्रोग्राम करन जा रहे हैं। साढ़े कोल बाहर दे फॉरन कंट्रीज़ के डिप्लोमैट ते अंबैसडर आ रहे हैं इस इवेंट ते और साढ़े कोल 9 स्टेटा बाहरों पार्टीसिपेट करन आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के 70 स्टॉल ने गौरमेंट के, जम्मू के वक्रे, कश्मीर के वक्रे, इस तरह ही बाकी जिहड़ियां स्टेटा ने, झारखंड है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, दिल्ली है, इस तरह दी स्टेटा ने। सो एक मौका है और मैं एक होर दसना चाहवागा कि असी जिहड़ियां सरकारी अदारे हैं जिवें सिडबी है, NSICI है, MSME है, उन्हां दे थ्रू अमृतसर दे जिन्ना बिजनेसमैन है वो सारयां नूं असीं फ्री रजिस्टर्ड कराया। वो पैसे नहीं देंगे, वो इन्हां दे थ्रू ही पार्टीसिपेट करनगे, शायद 10% देना, बाकी पैसे सरकारी बंदेदारे दे रहे हैं। तो वो एक इनडायरैक्टली डायरैक्टली बड़ा वड्डा फायदा है और असी गवर्नमेंट नूं कह के स्पैशली जिहड़े स्टार्टअप हैं और जिहड़े सैल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बुलाए हैं ताकि उन्हां नूं विजिटर दे कोलों कोई हुलारा मिल सके, कोई नवे ऑर्डर मिल सकन, कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो सके, कोई जिहड़ा कोई घर की चीज़ बनाउंदा उन्हूं पता लगे कि उस चीज़ की वैल्यू किन्नी है, लोगों नूं पता लगे। सो यही एक मौका है आके लोगों नूं डिस्प्ले करन दा और जिहड़े विजिटर ने वो भी आन इत्थे प्रोग्राम अपने दे विच देखन कि असीं किन्ने सर पिछले सालां नालों हुण किन्ना कोई बेनीफिट समझदे इस चीज़ मिले। मैं समझना जिस हिसाब नाल टेक्नोलॉजी वध रही है, जिस हिसाब नाल डिजिटल सिस्टम वध रहा है, जिस हिसाब दे नाल इह आटोमेशन वध रही है, ये बैटर हो रहा है और इत्थे बैठे नहीं, असी हर जगह लिंक भी भेज रहे हैं, असी ड्रोन दे थ्रू रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके वो भी भेज रहे हैं अगे ताकि लोगों नूं पता लगे कि कहड़े कहड़े एग्जीबिटर हैं। CCTV बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नाल, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नाल, और जिन्ने सैमीनार हैं उन्हां नूं भी असी लाइव कवरेज दे विच लिंक भेज रहे हैं लोगों नूं ताकि उत्थे बैठे देख सकन। सो अमृतसर दे इस इवेंट नूं सक्सेस किया जा रहा है और इनू नैशनल प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वेन्यू जरूर अमृतसर है लेकिन पंजाब का सब तो वड्डा इवेंट है। पंजाब सरकार ते PhD चेंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सांझे उद्यमों के तहत 8 दिसंबर तो लेकर 12 दिसंबर के अमृतसर पाइटेक्स का 16वां वर्जन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये इवेंट अमृतसर की पब्लिक बहुत ही उम्मीदा नाल इहदा इंतज़ार करती है। इहदे विच इस साल 450 तो वध एग्जीबिटर्स आके अपने प्रोडक्ट्स नूं डिस्प्ले कर रहे हैं, साढ़े कोल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हैगी है, साढ़े कोल लोकल पार्टिसिपेशन हैगी है, नैशनल पार्टिसिपेशन हैगी है। इस इवेंट नूं 4 चांद लगाने लई साढ़े माननीय मुख्यमंत्री साहब भी 10 दिसंबर नूं पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री साहब अमृतसर विच आ रहे ने। इस इवेंट विच बहुत वधिया डिस्कशन ग्रीन टेक्नोलॉजी नू लेके, ग्रीन हाइड्रोजन नू खास करके लेके रखियां गईयां हन, जिदे विच नवे जिहड़े एंटरप्रेन्योर्स ने, स्टार्टअप्स ने, वो पार्टिसिपेट करनगे। प्रेस दे माध्यम राही मैं सारे पब्लिक नू ही अपील करना चाहवांगा कि वड्डी गिनती विच आओ, अपने परिवारां दे नाल आओ, अपने बच्चों दे नाल आओ, आके जिहड़ा इंडिया तो, पंजाब तो, ते दुनिया तो साडे एग्जीबिटर्स आए ने इस मौके ते अपने वेयर्स नूं दिखाण, उन्हां दा आके समर्थन करो, प्रोडक्ट्स नूं लो जो तुहानूं पसंद आंदा है, जो तुसीं फीडबैक देना चाहते हो, ते इस पाइटेक्स दी 16th वर्जन नूं भी उन्ना ही सक्सेसफुल बनाओ जिन्ना पिछले सालां विच अमृतसर दी पब्लिक ने पाइटेक्स दा सपोर्ट कीता। इस बार भी 10 स्टॉल जो है जो PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नूं दित्ते गए है, क्यों ना इसकी गिनती वधा के वधाई जाए कि तां जो जिहड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जिहड़े लोग छोटे पद्धर ते चाहे अपना एक प्रदर्शन करते हैं पर उन्हां नूं इक वड्डे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ते प्रेजेंट करन नूं मिल रहा है, इसकी गिनती बारे नहीं कोई चर्चा कीती गई? जिहड़ी जी पिछले सालों के मुकाबले जो 10 स्टॉल सानू दिते गए हैं उन्होंने जो डायमेंशनज हैं वो वड्डिया दित्तियां गई हैं, ये पिछले सालों तो मुकाबले एक पॉजिटिव स्टेप है। इस तो अलावा जिहड़े छोटे आर्टिसन हैं उन्होंने समय समय तो पंजाब सरकार वालों भी बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं, जिवें सरस मेला हुणे कुछ समा पहला होके हटिया है अमृतसर विच। सो इन्हां नूं होर जगह पर भी मौके मिलते रहते हैं, असीं भी देंदे हां, इत्थे भी दवा रहे हैं,
तो उम्मीद करते हैं आने वाले साल होर वे स्केल से जब पाइटेक्स होगा तो होर स्टॉल्स असं लवेंगे। ये पाकिस्तान तो भी आ रहे हैं जी, ईरान तो भी आ रहे हैं, कुछ टर्की अफगानिस्तान, सो बेसिकली साउथ एशिया के जेडे साडे सार्क कंट्रीज के जेडे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत आ रहे हैं। ये पार्टिसिपेंट सर टूरिज्म तो व्यापार में कितना को बढ़ावा मिलता है इस मेले में लेके? देखो पर डे की जी फुटफॉल है 50,000 तो लैके 1,00,000 क्रॉस कर जाती हैगी है। ओदे विच जेडे बाहरों आ रहे ने 450 एग्जिबिटर्स 150 तो करीब बंदा जेड़ा अब्रॉड तो आ रहा है उन्होंने तो यदा डायरैक्ट इंपैक्ट है ही, पर जेड़ा साडे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट चो लोकल टूरिस्ट आंदा है या चंडीगढ़ तो तक इतने टूरिज्म टूरिस्ट आंदा है इस समय के दौरान, तो जेड़ा बाहरों अदरवाइज टूरिस्ट आ रहा होंगे उन्हें एक मौका मिल जाता एक वधिया एग्जीबिशन शो देखने का एक कन्वेंशन देखने का, उदे नाल बहुत वड्डा मल्टीप्लायर इफेक्ट जेड़ा है अमृतसर की इकोनमी तो पंजाब की इकोनमी मिलता है। 10 तरीक मैं तो पहले ही पाइटेक्स से संबंध कर रहा है जी। डी साहब आज अमृतसर पाइटेक्स पंजाब सरकार ते पीएचडी चेंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज दे सांझे उद्यमां दे तहत दसंबर 8 तो लेके दसंबर 12 दे विच अमृतसर विच पाइटेक्स दा 16वां वर्जन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इवेंट अमृतसर की पब्लिक बहुत ही उम्मीदा नाल इहदा इंतजार करती है। इहदे विच इस साल 450 तो वध एग्जिबिटर्स आके अपने प्रोडक्ट्स नू डिस्प्ले कर रहे ने, साडे कोल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हैगी है, साडे कोल लोकल पार्टिसिपेशन हैगी है, नैशनल पार्टिसिपेशन हैगी है। इस इवेंट नू चार चांद लगान लई साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी दसंबर 10 नू पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री साहब अमृतसर विच आ रहे ने। इस इवेंट विच बहुत वधिया डिस्कशन ग्रीन टेक्नोलॉजी नू लेके ग्रीन हाइड्रोजन नू खास करके लेके रखिया गई हैं जिदे विच नवे जिहड़े एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप्स ने वो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेस दे माध्यम राही मैं सारे पब्लिक नू ही अपील करना चाहवांगा कि वड्डी गिनती विच आओ, अपने परिवारां दे नाल आओ, अपने बच्चों के नाल आओ, आके जिहड़ा इंडिया तो पंजाब तो ते दुनिया तो साडे एग्जिबिटर्स आए ने इस मौके ते अपने वेयर्स नू दिखाण, उन्हां दा आके समर्थन करो, प्रोडक्ट्स नू लो जो तुहानू पसंद आंदा है, जो तुसी फीडबैक देना चाहते हो, ते इस पाइटेक्स की 16th वर्जन नू भी उन्ना ही सक्सेसफुल बनाओ जिन्ना पिछले सालां विच अमृतसर की पब्लिक ने पाइटेक्स का सपोर्ट किया। क्यों ना इसकी गिनती वधा के वधाई जाए कि तां जो जिहड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिहड़े लोग छोटे पद्धर ते चाहे अपना एक प्रदर्शन करते हैं पर उन्होंने एक वड्डे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जिहड़े प्रेजेंट करन नूं मिलदे इसकी गिनती बारे नहीं कोई चर्चा की गई जिहड़ी जी पिछले सालों के मुकाबले जो 10 स्टॉल सानू दिते गए हैं उन्हां विच जो डायमेंशनज हैं वड्डियां दित्तियां गईयां हैं, ये पिछले सालों के मुकाबले एक पॉजिटिव स्टैप है। इस तो अलावा जिहड़े छोटे आर्टिसन्स हैं उन्हां लई समय समय तो पंजाब सरकार वालों भी बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं जिवें सरस मेला हुणे कुछ समा पहला होके हटिया है अमृतसर विच, सो इन्हां नू होर जगह ते भी मौके मिलते रहिंदे आ, असीं भी दिंदे आ, इत्थे भी दवा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले साल होर वे स्केल से जब पाइटेक्स होगा तो होर स्टॉल असं लवेंगे। ये पाकिस्तान तो भी आ रहे हैं जी, ईरान तो भी आ रहे हैं, कुछ टर्की अफगानिस्तान, सो बेसिकली साउथ एशिया के जेडे साडे सार्क कंट्रीज के जेडे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत आ रहे हैं। ये पार्टिसिपेंट सर टूरिज्म तो व्यापार में कितना को बढ़ावा मिलता है इस मेले में लेके? देखो पर डे की जी फुटफॉल है 50,000 तो लैके 1,00,000 क्रॉस कर जाती हैगी है। वो जेडे बाहरों आ रहे ने 450 एग्जिबिटर्स 150 तो करीब बंदा जेड़ा अब्रॉड तो आ रहा है उन्होंने तो यदा डायरैक्ट इंपैक्ट है ही, पर जेड़ा साडे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट चो लोकल टूरिस्ट आंदा है या चंडीगढ़ तो तक इतने टूरिज्म टूरिस्ट आंदा है इस समय के दौरान, तो जेड़ा बाहरों अदरवाइज टूरिस्ट आ रहा होंगे उन्हें एक मौका मिल जाता एक वधिया एग्जिबिशन शो देखने का एक कन्वेंशन देखने का, वो नाल बहुत वड्डा मल्टीप्लायर इफेक्ट जेड़ा है अमृतसर की इकोनमी तो पंजाब की इकोनमी मिलता है। 10 तरीक